Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. So hello guys, what's up? I hope आप सब बढ़िया ही होंगे. So welcome back to my another video. So आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंड मॉडिफाइड चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ. उसका नाम है जीप. एंड हम अभी जो है पिंजौर में शूट कर रहे हैं. आप देख सकते हो कितनी अच्छी लोकेशन है. पीछे पहाड़ है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे साथ जीप खड़ी है और बहुत ही ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन हो रखी है. सो इसमें सबसे ज़्यादा यूनिक आप देख सकते हैं इसके फैट टायर हैं. बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही कम गाड़ियों में देखने को मिलेंगे. एंड इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको स्पेसिफाई करूँगा इस वीडियो में. सो कितने की कॉस्ट है इसकी मॉडिफिकेशन की, क्या इसकी वैल्यू है अभी एंड कितना बेसिकली ये एवरेज देती है. अगर इतने मोटे टायर लगे, इतने फैट टायर लगे हैं तो इसकी एवरेज भी मतलब उसी के हिसाब से होती है. सो इसके बारे में सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. अगर रोड पे चलती है तो क्या एक्सपीरियंस है इसका रोड का और लोगों का रिएक्शन क्या आता है अगर ये रोड पे मूव होती है ये कार, तो उसके बारे में सारी आज इस वीडियो में डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे हम. सो हमारे साथ है सैंडी भाई जो इस गाड़ी के ऑनर हैं. तो सैंडी भाई वेलकम टू आवर चैनल. तो आपके पास जैसे ये आपने गाड़ी शौकिया तौर पे रखी होगी राइट, क्योंकि इतने फैट टायर हैं तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हाईवेज अगर लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाना चाहे तो क्या हम लेके जा सकते हैं इस गाड़ी को? आप बिल्कुल नॉर्मल लेके जा सकते हैं हम इसको. अच्छा, कोई जो ये होता है मतलब जीप को रखने के लिए ये होती है शौकिया तौर पर. हाँ जी, मेन हाईवे के लिए नॉर्मल गाड़ी से हम यूज़ कर सकते हैं. तो अगर मैं, आपने कब परचेज करी थी वैसे? ये मैंने लास्ट वीक परचेज किया है मंडी दबली सिरसा से. अच्छा, ऑर्डर मैंने बुक किया था ये. अच्छा, अप्रॉक्स 3 मंथ्स का टाइम लग जाता है इसमें मॉडिफिकेशन के लिए. ओके ओके, जो मॉडिफिकेशंस हैं आपने ऐसी परचेज करी थी या फिर खुद से मॉडिफिकेशन कराई थी? आपसे यूट्यूब के अंदर सर्च किया था इसके अंदर. हमारे साथ है सैंडी भैया की वाइफ रमन. सो वेलकम टू आवर चैनल. इसमें जो भी चीज़ें मॉडिफिकेशंस हो रखी है ना वो सारी चीज़ें रमन हमारे साथ है वो एक्सप्लेन करेंगी. एंड आप देख सकते हैं फ्रंट से इसमें बेसिकली आप एक्सप्लेन करो इसमें क्या क्या हो रखा है. अगर हम बात करें इस विंडशीट की तो ये विंडशीट जो है फोल्डेबल है. ओके, और ये जो लाइट्स है और जो इसका ये फोल्डेबल विंडशीट है ये यहाँ पे आ जाता है. Okay. ये इसको सपोर्ट करने के लिए है. Okay. और जो ये जस्ट शो के लिए है. ठीक है, ये भी शो के लिए वैसे ये लुक में आ जाता है बट एक्चुअल में ये इसके सपोर्ट के लिए है. ठीक है ठीक है ठीक है. और इसमें ये बार लाइट लगी हुई है. ओके, और ये एंग्री बर्ड बोलते हैं इसको, एंग्री बर्ड ग्रिल. तो इसमें भी आपको बड़े सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. अगर हम बात करें जीप में आपको बहुत टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं ग्रिल की बात करें तो. एंड इवन लाइट्स में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. ये जो है HID लाइट लगी हुई है इसमें. एंड इसका कैसा रिस्पांस है नाइट में जैसे हम चलते हैं रात को? बहुत अच्छा, नॉर्मल है. बस इसका जो है लुक में रिवर्ड आ गया बट एक्चुअल में वर्क ये प्रॉपर वैसे ही करती है. ओके ओके, हाँ जी ओके. तो ये बेसिकली यूज़ के लिए लगा रखे आपने या शो के लिए? ऐसे ये यूज़ भी हो सकता है, ये यूज़ के लिए ही है, शो के लिए. ये बेसिकली हम निकाल के यूज भी कर सकते हैं हल्का सा जैसे कोई हो जाता है फायर का अगर कुछ भी हो जाता है. तो ये चीज सेफ्टी के लिए रखी गई है. ये भी हर किसी को रखनी चाहिए अपनी गाड़ी में. जैसे आजकल की गाड़ियों में नहीं आती ये चीज, तो ये चीज रखनी चाहिए आपको अपनी सेफ्टी इंक्रीज करने के लिए कार में. तो अगर हम ऑफ रोड बम्पर के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. तो ये बेसिकली आपको अच्छा लगा इसलिए आपने लगवाया राइट? हाँ जी. अच्छा ओके, तो लाइटें भी काफ़ी अच्छी लगी हुई है फ्रंट से अगर आप देखो तो. लाइटें इवन ये बार लाइट बोलते हैं इसे. एंड इवन यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्टर टाइप लाइट लगी हुई है एंड दीज आर द LED DRLs. सो ये इतनी आपने जो लाइटें लगवा रखी है क्या ये लीगल है बेसिकली? एक्चुअली में जो ये बार लाइट है ये हमारे यहाँ पे लोकल पिंजौर में तो लीगल है. अगर हम चंडीगढ़ साइड जाएंगे तो हमें इसको कवर करना पड़ेगा. अच्छा, एक्चुअली में इसका चलाना है इसका भी और इन टायर्स का भी. ओके, मतलब टैश भी अलाउड नहीं है? नहीं, एक्चुअली हमें इसके लिए अनदर एक पेयर रखना पड़ेगा. अच्छा अच्छा, तो आपने बेसिकली शौकिया तौर पे लोकल के लिए रखी हुई है. अच्छा, तो आपके पास और भी गाड़ियाँ हैं? हाँ जी. कौन कौन सी वैसे? एक हमारे पास क्रेटा गाड़ी है. अच्छा, और एक बुलेट है. अच्छा ओके, आप देख सकते हैं इसके टायर कितने वाइड है, कितने वाइड है. तो अगर मैं पूछूं तो टायर जैसे आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? जैसे गाड़ी होती है और टायर उससे बॉडी से बाहर है, आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बाहर है. और इसको अगर आप चलाते हैं रोड पे
तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती एक्चुअली, इस टायर में तो चलाने का मजा है, क्योंकि छोटे टायर होते हैं उसमें पता नहीं लगता, स्मूथ गाड़ी चलती है, चलती स्मूथ इसमें भी है, वो थोड़ी नीचे भी हो जाती है, इससे थोड़ी बॉडी अप भी हो जाती है, बूस्ट हो जाती है गाड़ी, तो इसमें ज्यादा मजा आता है, और जब जाते तो पब्लिक रिएक्शन बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, मतलब लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये इतने फैट टायर अगर गाड़ी में लगे हो तो लोग क्यों नहीं देखेंगे? तो ये किस पर्पस से लगा रखा है? ये शो के लिए है। अच्छा, वैसे शो के लिए। हाँ जी, ये हो गया। हाँ। और जो ये जो जिसपे स्टिकरिंग हुई है जीप की। अच्छा, साइलेंसर जो लगे हुए हैं? हाँ जी, ये शो के लिए लगे हुए हैं। शो के लिए लगे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ये वर्क नहीं करते? राइट, नहीं वर्क नहीं करते, स्टिकरिंग है, जैसे यहाँ पे भी आपको स्टिकर मिलेगा। अच्छा, एक स्टिकर यहाँ मिलेगा, साथ से स्टिकरिंग भी मिलेगी, बट हमने कम स्टिकरिंग करवाई है। अच्छा। कुछ लोग आपको, जैसे अगर आप और देखोगे यूट्यूब पे भी अगर आप डालोगे तो आपको बहुत तरह की ऐसी जीप मिल जाएगी, बट उसका फ्रंट अलग होगा। कुछ लोग यहाँ पे बीच में लाइक यहाँ पे भी स्टिकरिंग करवाते हैं, हमने स्टिकरिंग को थोड़ी कम प्रेफरेंस दिया, स्टिकर से थोड़ी और ज़्यादा ओवर लगती है एक्चुअली गार्ड, तो हमने कोशिश किया हम इसको सिंपल एंड सोबर रखें ताकि थोड़ी अट्रैक्टिव लुक दे। ओके okay. हाँ जी, तो बेसिकली हर किसी का टेस्ट अलग होता है। अगर जीप की बात करें तो ये पूरी अगर हम देखें तो एज अ स्टॉक नहीं आती है, इवन इंजन भी आपको खुद चूज करना पड़ता है कौन सा लगवाना है इसमें, तो हम देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हो सकती है। तो जैसे कि रमन ने बताया कि उन्होंने अपने टेस्टफुली मॉडिफिकेशंस कर रखी है, जैसे स्टिकरिंग काफ़ी कम कर रखी है क्योंकि नहीं पसंद उनको, इसलिए साइड लुक के बारे में बात करते हैं। वैसे तो साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हो रखी है इसमें भी, एंड इवन डिसेंट मॉडिफिकेशन हो रखी है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, ओवर मॉडिफाइड नहीं कहूँगा मैं इसको, डिसेंट मॉडिफिकेशन जो हो रखी है उससे काफ़ी क्लीन लुक आ रही है। तो आपने साइड से इसमें क्या क्या कराया, थोड़ा एक्सप्लेन करो। साइड में हमने मिरर्स, इसमें मिरर्स में काफ़ी हर तरह के ऑप्शंस होते हैं, बट हमने ये वाले मिरर्स, नॉर्मल मिरर्स। हाँ जी, और जो इसके डोर्स है ये भी हमने लगवाए हैं। एक्चुअल में अगर आप लंडी की बात करोगे इसमें डोर्स नहीं होते, बट हमने इसमें डोर लगवाए हुए हैं, और ये भी इसका जो शो पर्पज़ के लिए है यहाँ पे लगा हुआ है, और ये वाले मिरर इसमें कई बार ये जो है फुल कवर भी होती है, बट हमने ये वाले मिरर्स लगवाए हैं इसमें, ये भी हमने मॉडिफाई करवाई है। कुछ लोग जो है जो इसके बैक, इस यहाँ की बात करें जो इसकी ये बैक है, ये इसको वो जाली वाली बनवाते हैं, तो हमने जाली वाली ना करवा के इसको सिंपल लुक दिया, और भी ये वाले मिरर्स ओके, तो ये मतलब खुल जाते हैं ये मिरर्स? हाँ जी, ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें ये चैन लगी हुई है। ओके, आप इस चैन को से ऐसे ओपन करोगे तो आपकी ओपन हो जाएगी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं साइड लुक के बारे में, बाकी डिसेंट लुक दे रखी है, कोई ऐसा सच कोई ज़्यादा ओवर मॉडिफाइड नहीं कर रखी, एंड साइड से अगर आप टायर्स देखेंगे तो कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस गाड़ी पे, मतलब टायर से ही मेन लुक आ रही है गाड़ी की, नहीं तो आपको नॉर्मल अगर आप पिंजौर पंजाब इस जगह चंडीगढ़ पे जाएंगे तो आपको जीप बहुत सारी मिल जाएगी, बट ऐसे टायर में बहुत कम मिलेगी आपको। सो अब चलते हैं इसकी बैक लुक के बारे में, उसके बाद करते हैं बैक में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है, थोड़ा एक्सप्लेन करना। बैक में जो है अलॉय व्हील है, ये हमने लगवाया है, ये जैसे आप इसे रोटेट भी कर सकते हो। हाँ, स्पिन भी कर सकते हो आप इसे। ओके, और जो ये पावर फ्यूल जो टंकी है ये भी जस्ट शो के लिए ही है। अच्छा, ये यूज के लिए नहीं है, वैसे शो पर्पस के लिए। ठीक है, हाँ जी। बाकी एक हमने जस्ट छोटा सा मैसेज भी दिया था, सेव एनिमल्स। और ये भी जैसे मैंने आपको बताया साइड लुक में जो मिरर का बताया, आप इसको भी अगर आप क्लोज कर दोगे, ये ओपन हुई है तो ये भी नीचे को, अच्छा बाहर से क्लोज हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी ये भी। हाँ जी, ओके ओके ओके। और यहाँ पे सारा तो अगर मैं पूछूं ये चीज जो है तो इसको डिटैच कर सकते हैं, मतलब लंडी जीप बना सकते हैं? बना सकते हैं। इसमें भी टू टाइप्स की आती है, कि इस ट्रैक वाली आती है सिंपल है, और एक पेपर आती है। अच्छा। और एक ब्लॉक वाली जो मैंने आपको बताया ना जाली वाली, उसे ब्लॉक वाली बोलते हैं। अच्छा। वो भी करवा सकते हैं, बट हमने ब्लॉक वाली ना करवा के इसको जस्ट सिंपल एंड सुपर अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। इसकी अगर मैं नॉइज के बारे में बात करूँ तो नॉइज आती है जैसे गाड़ी चलती है, तो विंड नॉइज आती है अंदर? नहीं, एक्चुअली अगर आप इसके मिरर को क्लोज कर लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा बाहर क्या हो रहा है। ओके ओके। हाँ जी, मतलब ऐसा, मतलब थोड़ी बहुत तो आती होगी क्योंकि ये सॉफ्ट टॉप है, एक तरह का सॉफ्ट टॉप देखा जाए तो सॉफ्ट है, तो थोड़ी बहुत जब हाई स्पीड पे चलती होगी तो ये इसकी नॉइज अंदर तो आती होगी थोड़ी। एक्चुअली हम इसमें सॉन्ग वगैरह चला लेते हैं तो हमें अच्छा। पता नहीं लगता है। अच्छा, अगर विदाउट सॉन्ग करें तो उतनी भी नहीं आती, बहुत कम आती है। तो की बात करें तो हमने एक टेलीफोन भी लगाया हुआ है। ओके, ये जस्ट यूज नहीं होता, ऐसे शो के लिए। अच्छा, एज अ डेमो, लाइक एज अ डमी है। ओके ओके, तो ये आर्मी का टेलीफोन है, जो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं ना आर्मी के, तो वैसा कुछ है, और एज अ डमी है, लाइक शो के लिए काफ़ी
अगर आप इस साइड से लुक देखेंगे तो अलग आ रही है, एंड डिफरेंट साइड से मैंने जैसे आपको दिखाई तो वहाँ की लुक अलग है, बिकॉज यहाँ पे आपको देखो जो सिलेंसर है वो बाहर दिख जाएंगे, जैसे ट्रैक्टर के सिलेंसर होते हैं वैसे आपको दिख जाएंगे, एंड साइड लुक आप यहाँ से डिफरेंट आ रही है एंड उस साइड से डिफरेंट आ रही है। तो अब करते हैं इसकी टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात, तो वो हमें बताएंगे सैंडी बाजी। तो इसके बारे में पूछता हूँ, जैसे इसमें अगर मैं टायर्स के बारे में, तो टायर्स की रोड नॉइज़ आती है जब टायर हम चलाते हैं जैसे रोड पे, तो रोड नॉइज कितनी आती है? इसकी रोड होने की वजह से काफ़ी साउंड आती है, क्योंकि ये मॉन्स्टर है पूरी रोड को घेर के चलते हैं, पूरा इसका मतलब काफ़ी साउंड आती है। ओके, तो मतलब हाई स्पीड पे ही आती होगी, लो स्पीड पे तो आराम से? स्पीड पे नहीं आती, मतलब 30-40 की स्पीड पे नहीं आती, अगर हम उसको 80 या 90 की स्पीड पे लेके जाएं तो काफ़ी नॉइज़ आती है। ओके, और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे ये टायर की जो शेप है वो ट्रैक्टर टाइप है राइट, तो ये चलते टाइम कोई बबलिंग करते हैं? हाँ जी, जैसे ऑफ रोडिंग स्पेशली जो टायर्स होते हैं ऑफ रोडिंग टायर्स होते हैं, हाँ जी, प्लेन रोड पर ये बबलिंग करते हैं, तो कम स्पीड पर ही चलाना ठीक रहता है। ओके ओके, तो मतलब हाई मतलब अंडर 60-70? हाँ 60 सर। सो अब चलते हैं इसके इंटीरियर पे, बात करते हैं इसके इंटीरियर की क्या क्या चेंजेस हो रखे हैं, मतलब आपको दिखाता हूँ एक बार इंटीरियर। सो अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, तो सैंडी पाजी इसमें इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं थोड़ा एक्सप्लेन करो आप। इंटीरियर के अंदर ये मैंने एक स्मॉल स्टेयरिंग लगवाया, पावर स्टेयरिंग है ये, विद पावर क्लच एंड पावर ब्रेक है ये। ओके, 5 गियर्स हैं, ब्लेरो का इसमें हमने इंजन लगवाया है, हाँ जी, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है पिकअप के टाइम। ओके, तो मतलब अंदर से जैसे नॉर्मल गाड़ियां आती है उनका इंटीरियर डिफरेंट होता है, तो इसमें क्या क्या एक अलग चीज़ है हटके, थोड़ा एक उसको एक्सप्लेन करो आप। इसको एक जीप की लुक देता है ये, हाँ जी, जिसके अंदर ये स्पीडोमीटर है, ओके, फ्यूल टैंक है, ओके, और ये है टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है ठीक, प्लस 5 गियर्स हैं, हैंड ब्रेक है इसके अंदर, ओके, और इसके अंदर मैंने इनोवा की सीट्स रखवाई है। ओके, तो आप देख सकते हैं फॉर कंफर्ट पर्पस की कंफर्ट एक जगह एनहांस हो जाए गाड़ी के इंटीरियर में, तो आप देख सकते हैं इनोवा की सीटें लगवाई हैं, एंड पीछे पीछे कौन सी सीटें लगवाई हैं? पीछे नॉर्मल सीट्स हैं, ओके, जिसमें 3-4 पर्सन आराम से बैठ सकते हैं, बीच में 2 बड़े और साइड में 2 छोटे बच्चे, ठीक है ठीक है। तो बाकी आप इंटीरियर आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक इंटीरियर है, एंड रूफ है ये भी रिमूव हो जाती है, ओके ओके ठीक है। तो बाकी सब इंटीरियर में यही था, बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं इंटीरियर में क्योंकि अभी मॉडिफिकेशन पेंडिंग है। तो इसका इंजन आप देख सकते हैं बलैरो का इंजन लगा हुआ है इसमें, एंड इंसुलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसुलेशन भी प्रोवाइड करी गई है। सो भैया एक आइडिया, इसकी एवरेज कितनी आती है? एवरेज एट जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीक ही ली है एवरेज, अभी मैंने इसकी नोट नहीं की है, तो आपको अभी आइडिया नहीं है इन फ्यूचर देखेंगे। तो जहाँ से आपने ली थी वहाँ से उन्होंने कुछ बताया इतनी एवरेज? उन्होंने 8-10 की ऑन रोड बताया था सिटी में। ओके ठीक है, और आफ्टर ऑफ रोडिंग टायर्स कौन सा टायर इसके बाद बताया था उन्होंने? मुझे नॉर्मल बताया था उन्होंने। अच्छा, नॉर्मल नॉर्मल 8-10 की एवरेज है। तो अराउंड टायर्स लगने के बाद आपको 7-8 की एवरेज तो ईजिली दे देगी, बट एवरेज नहीं देखते इस गाड़ी में, बिकॉज ये जो गाड़ी है शौकिया तौर पर भैया ने बनाई है, एंड एवरेज मैटर नहीं करती इस गाड़ी। सो गाइस अब बात करते हैं इसकी मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि इसकी कॉस्ट है। सो टायर की कॉस्ट इसमें क्या आई आपको? टायर की कॉस्ट में तो अप्रॉक्स 1.5 लाख की पड़ी टायर ये। अच्छा, विद रिम? विद रिम। और पूरी गाड़ी मुझे 6 लाख की कॉस्ट है। ओके ओके, सो आपको एक आइडिया लग गया होगा अगर आप इस चीज़ को लेने जाते हैं तो क्या मॉडिफिकेशन इसमें करवा सकते हैं एंड क्या कॉस्टिंग आपको पड़ती है। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब द वीडियो।